पूरा टाउन थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, क्या कहना चाहेंगे आज सिख फाउंडेशन में आया, क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल पूरे आज इवेंट के बारे में अगर आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे? मुझे खुशी इसलिए है कि मुश्ताक ने मुझे यहाँ दावत दी आज, और सिख फाउंडेशन जो ग्रामीण भाग में अच्छा काम कुछ जरूरतमंद लोगों को जो हज यात्रा या अन्य यात्राओं में भेजने का काम कर रहे हैं, बहुत ही नेक काम है। और मुझे लग रहा है जितनी जरूरत ग्रामीण भाग और विभाग में अक्सर उनका कॉन्सेंट्रेशन शहर की तरफ होता है, अक्सर ग्रामीण में जहाँ जरूरत और जरूरतमंद लोग ज्यादा हैं उसको हमेशा निगलेक्ट किया जा रहा है। और इनका एक कैंपेन जो स्पेयर है वो ग्रामीण की तरफ है, रूरल बैकग्राउंड की तरफ है, ये बहुत खुशी की बात है। और इस शुभ मौके पे आज इनका पहला फंक्शन है, और मुझे लग रहा है आज इन्होंने कई लोगों को सम्मानित किया, कुछ लोगों ने, और अमूमन जैसे मैंने अपने स्पीच में कहा कि नामचीन लोगों को, चाहे वो फिल्म एक्टर्स हो, स्टार्स हो, सुपर स्टार्स हो, ऐसे लोगों को सम्मानित बहुत सारे लोग करने तैयार हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स करने तैयार है, तो बहुत सारे संस्थाएं करने तैयार है जो बहुत हाई प्रोफाइल रहती है, बट जो छोटा जो छोटे लेवल से आगे बढ़ने का ख्वाब देखता है, ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का काम और ऐसे लोगों की सराहना करने का काम जो संस्था कर रही है, मैं उनसे दिली मुबारकबाद देता हूँ। सर आसिफ साहब एक वीडियो भी बनाया है इन्होंने बच्चों के ऊपर, वो काबिल तारीफ है, आपने देखा वो, और क्या खास बात उसमें लगी आपको वीडियो में? मुझे अभी भी जानकारी मिली, बाल आत्महत्याओं और बाल अत्याचार के खिलाफ इन्होंने जो एक वीडियो बनाया है सराहनीय है। इस किस्म के सोशल कॉजेज से रिलेटेड हर वो फिल्म जो बनती है एक समाज में एक मैसेज निर्माण करती है, एक सीख देने का काम करती है, जैसे हमने अभी देखा दंगल फिल्म, तो इस किस्म की ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं कि हर फिल्म बहुत बड़े कैनवस पर हो, बहुत बड़े पायदान पर हो, आप लोगों के ज़रिए से अगर फिल्म छोटी भी है और छोटे बजट में भी बनी है लेकिन उसका मैसेज अगर यदि हार्ड हिटिंग है तो मुझे लगता है ये उसकी रीच बहुत फारफेच्ड होगी। और इन्होंने ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ तक मुझे लग रहा है बनाया नहीं, इन्होंने एक सिविक और एक सोशल मैसेज देने की जानिब से इन्होंने ये प्रयास किया है। और बहुत अच्छी बात है कि शुभ दिन बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जन्मदिन पर ये रिलीज होने जा रही है, मेरी दिली शुभकामनाएं हैं। और ऐसे अन्य जो कॉज रिलेटेड फिल्म हैं जिसमें हमें एक मैसेज मिलती है अपने व्यवहार को बदलने के लिए, या जो एक इंस्पिरेशनल फिल्म होती है, ऐसी अन्य और फिल्में बननी चाहिए जो है आने वाले दिनों में, और हम सब लोगों ने इस किस्म की फिल्मों को सपोर्ट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए। सर इसी फिल्म को आपने अवार्ड के लिए पहले अवार्ड नहीं, एक मैसेज दे रही है ना फिल्म, और ख़ासतौर पे बच्चों का जो आत्महत्या जो किसी कारण होता है, बच्चों को जो 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 उनका शोषण किया जाता है, वो लोग जो है उनको बिलो 18 इयर्स ऑफ एज उनको काम पे लगाया जाता है, उनका जो कहीं कहीं जो एट्रोसिटीज़ है उसको दिखाने का काम इस फिल्म की जानिब से किया गया, तो मुझे लग रहा है इट इज़ वेरी वेरी सर्टनली वेरी डिजर्विंग। सर विक्रांत मौर्य सर के बारे में क्या कहेंगे? जो फिल्म बनाई और अक्सर इसी मुद्दे पे फिल्म बनाते रहते हैं, नहीं अच्छी पहल होगी, एक अच्छा विचार लेके आ रहे हैं डायरेक्टर है फिल्म के, और मुझे लग रहा है कि चूंकि सोशल और एक सामान्य बच्चों से संबंधित जो फिल्म बन रही है, तो मुझे लग रहा है उन्होंने मैंने उनकी काफ़ी तारीफ सुनी है, मैं ज़्यादा मुखातिब नहीं हूँ, लेकिन आई विश हिम ऑल द बेस्ट। इसके अलावा शेख फाउंडेशन की अगर बात करें तो और कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर खासतौर पर शेख फाउंडेशन जो है वो काम करती है, और हाल ही में जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हुआ था उसको किस तरह से देखा? शेख फाउंडेशन के जो जैसे मैंने कहा जो जो मुझे जानकारी है वो ग्रामीण भागों में जो काम है, जो जो रिलीजियस यात्राएं हैं उनको प्रमोट करने का काम है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन
फाउंडेशन एक मर्यादित नहीं रहता, उसकी कोई सीमा नहीं रहती। मैंने कहा ना, सियासत में एक व्यक्ति मर्यादित हो सकता है, और ये शेख नाम और शेख फाउंडेशन है, तो इसलिए ये सिर्फ अखिलियत तक ही महदूद नहीं रहना चाहिए, इसमें हर समाज के लोगों का हिस्सा होना चाहिए, सहभाग और हर समाज के लोग का काम अंजाम होना चाहिए इसमें। फाउंडेशन की जानिब से जो जरूरतमंद लोग, आज हम भामला फाउंडेशन की जानिब से अगर आप देखो, पर्यावरण में हमारा बहुत बड़ा काम है। हमने एक बड़ा कैंपेन लॉन्च किया अक्षय कुमार के साथ ऑन डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। तो ये इट्स अ लर्निंग मैसेज। तो कोई भी व्यक्ति और जो फिल्म स्टार्स होते हैं, चूंकि रोल मॉडल्स रहते हैं, हमने इसके पहले अमिताभ के साथ टीवी के ऊपर एक कैंपेन किया, तो ये इसी कैंपेन्स के दौरान, बिकॉज एक्टर्स, स्पोर्ट्समैन, ये सारे जो है, पीपल लुक अप टू देम। शायद हम, आप और कोई सामान्य लोग बोले तो वो बात असर न करेंगे, लेकिन अगर कोई फिल्म की शख्सियत हो या एक स्पोर्ट्समैन हो, क्योंकि इज अ रोल मॉडल, सो व्हेन दे टॉक और उनके माध्यम से अगर हम एक अच्छा प्रचार कर सके, लोगों तक पहुंच सके, तो ये बहुत अच्छी और बड़ी बात है। आसिफ साहब, चलते चलते एक आखिरी सवाल, मुंबई महानगर पालिका का बिगुल बख्शीदा है आसिफ साहब, आसिफ बामला, कहाँ पे अपने आप को देख रहे हैं? एनसीपी चुनाव की तैयारी कर रही है, और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अन्य पार्टियां चुनाव लड़ रही है, बड़ी पार्टी है एनसीपी, मुंबई में जो परिस्थिति है, स्थिति है, मुझे उस गठबंधन को लेके क्या गठबंधन की मुझे नहीं लगता है कोई इच्छा शक्ति दिख रही मुझे। हमने इरादा रखा था, कांग्रेस को हमने प्रस्ताव दिया था, लेकिन वो अभी भी अपने गुमान में है, और मुझे लग रहा है कि थाना में हो गया, और यहाँ के अब यहाँ के जो मुंबई के उनके सर्वे सर्वा है, उन्होंने बैठकर यदि वो अभी भी यदि अगर प्रस्ताव देते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि एनसीपी जाने के लिए तैयार है गठबंधन। अगर वो एक सम्माननीय गठबंधन हो, तो ये नहीं कि किसी पार्टी को अंडर एस्टिमेट करके और सिर्फ गठबंधन करने के इरादे से किया जाए। आज कांग्रेस ने भी ये मानना चाहिए कि वो सरकार में नहीं है, न केंद्र में है, न राज्य में है, दोनों जगह हम साथ में थे, और तब की बात और थी, और आज हालात और है। और हमने देखा है कि पिछले चुनाव ने दिखाया कि अगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी अलग भी लड़ रहे, तो 1920 का फर्क नहीं लगता अगर कांग्रेस एनसीपी अलग अलग लड़ेगी तो नुकसान नहीं, पर हमें ये लग रहा है, इसीलिए तो हमने ये प्रस्ताव दिया कांग्रेस को। लेकिन यदि हम उसके बाद हमारे आला नेताओं ने कहा कि हम लाचारी तो नहीं दिखा सकते ना, हम इरादा रख सकते हैं कि सेक्युलर मतों का वितरण ना हो, लेकिन ये जिम्मेवारी कहीं ना कहीं उनके तक भी, उनके नेताओं की भी है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उन्होंने इस बात को सोचना चाहिए। अगर वो सोचे और तो आज भी देर नहीं है, मुझे लग रहा है अभी भी हमने सिर्फ एक पहली यादी जाहिर की है, उसमें हमें हमारी तरफ से कोई ऐसे एतराज नज़र आता। देखिए, पहली बात, शेख फाउंडेशन ने जो आज प्रोग्राम किया है बहुत ही लाजवाब है और सोशल रिलेटेड है, टोटली सोशल है। और जहाँ तक जो फिल्म की टेलर बताई गई है, दिस सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू द पुलिस एंड द सोसाइटी, बिकॉज वी आर फ्रॉम द सोसाइटी, और दैट इज द सब्जेक्ट इज द साइकोलॉजी एंड द सोशोलॉजी, इट्स बिकम्स कम्स इन द क्रिमिनोलॉजी, क्योंकि समाज के अंदर होने वाली घटना है। और उन्हें जो आप हमने फिल्म में देखी है कि माँ बाप जो झगड़ा करते हैं, या माँ बाप या बाप दारू पीता है, कुछ करता है, और बहुत से चीज़ों में अगर कहीं पे आप स्लम एरियाज में देखोगे जहाँ पर एजुकेशन कम है, कुछ है, तो वहाँ पर माएँ भी थोड़ा सा टोबैको च्यूइंग करती है, बाप भी करता है, या मामा चाचा ज्वाइंट फैमिली हो, कुछ भी हो, तो वहीं पर ही बच्चों को भी बोला जाता है बहुत बार जाऊँ तम्बाकू क्यों उड़े, ओके सिगरेट आन माला। तो इसके वजह से कि वो क्यूरियसिटी जो अप्रोच होती है वो ड्रग्स एडिक्ट की तरफ भी लेके जाती है, बोलते अगर बाप पी सकता है, माँ खा सकती है तंबाकू, तो क्या है साला, मेरी थोड़ा तो देख लूँ, इट्स अ कम्स। जब उसका उम्र बढ़ने लगता है तो देखता है, देखने लगता है। और जो डिप्रेशंस है वो बहुत से सोशल सिस्टम्स की वजह से ही आते हैं, एक बच्चों को कंपैरिजन करना, भाई वो पहला फर्स्ट नंबर लेके आया तो उसने इतने मार्क्स लेके आए, तो आपने क्यों नहीं लेके आए, फिर एक्सपेक्टेशंस है कि मैं डॉक्टर हूँ या मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, तो कोई है तो वो भी मेरा बच्चा वैसा बनना चाहिए, मेरी बच्ची वैसा बनना चाहिए,
इस तरह से अल्टीमेटली उसका जो प्रेशर्स है वो बढ़ते जाता है ओके। और हम आज तक देखे जाके जाके तो इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस की हम लोग ने बात की कि कौन कितना होशियार है उसका जो आईक्यू पे ही बात करता जाता है। तो अगर देखा जाए तो आईक्यू इट्स ओके फॉर द समथिंग इज गेटिंग द सक्सेस बट यू हैव अ नो ईक्यू। ईक्यू मीन्स इमोशनल क्वेश्चंस ओके। अगर इमोशनल क्वेश्चंस नहीं है, एडिसन के पास भी इमोशनल क्वेश्चंस था। बहुत से अगर साइंटिस्ट देखोगे आप अपने अगर खली भी जो खेले हैं बॉक्सिंग प्लेयर्स वगैरह अपने इनके पास इमोशनल क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल पे था। इमोशनल क्वेश्चंस होने की वजह से ही तुम अच्छी तरीके से प्रोग्रेस कर सकते हो। आईक्यू सबका ऊपर वाले ने सबको दिमाग दिया है वो लगभग 65 70 80 इस रेंज में ही रहता है। लेकिन जिसका सर एज ए पुलिस ऑफिसर जो स्टोरी आपके जहन में जो इस तरीके का जो आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों से और टिप देना चाहें कि नहीं कोई स्टोरी तो नहीं लेकिन बहुत से जब हम पुलिस स्टेशन में काम करते हैं तो बहुत से बच्चे ड्रग एडिक्ट्स आते हैं हमारे उनके माँ बाप हमको लेके आते हैं साहब इनको सुधारो और देयर एक्सपेक्टेशन विद इन एक घंटे दो घंटे में या जब से हमसे इतना एक्सपेक्टेशन करते हैं कि सुधारो। जो बच्चा आप 15 साल तक उसको नहीं सुधार पा रहे हो आप पुलिस से एक्सपेक्टेशन करते तो एक तब वो हैंडलिंग करना वो डीलिंग करना केस बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि कोई भी चीज़ आप फटाक से तो उसका सोल्यूशन नहीं मिल सकता उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। और बहुत से बार बच्चे खेलते खेलते समय भी कुछ प्ले ऐसे खेल लेते देख लेते या चलो अपन वो ड्रामा करेंगे गोली मारने जैसा अगर देखा जाए लापाछुपी का जैसे चलो तू मुंडापन में पुलिस बनता हूँ तो एक अलग तरीके से उनमें वो डेवलप हो जाता है उनका जीन्स भी थोड़ा सा डेवलप हो जाता है। और क्या है कोई भी चीज़ अगर डिप्रेशन में इंडिया में अगर अभी फिल्म में हमने देखे कि 4000 बच्चे आत्महत्या करते इट्स अ वेरी बिग थिंग इट्स अ वेरी बिग बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए समाज के लिए। हम अपने आने वाले अच्छे नस्ल को खो रहे हैं इसमें। टिप क्या देना चाहेंगे सर जिम्मेदार को? जिम्मेदार देखो हमारा सोशल सिस्टम से पहला सोशल सिस्टम कोई भी सोसाइटी बनने से पहला घर बनाए घर बनने से पहले घर भी उसके आदमी बने हैं घर के रिलेटिव्स बने। और कोई भी सुसाइड नोट का अगर देखा जाए हम लोग ने स्टडी में हम लोग ने भी थोड़ा बहुत किया 6 सेकंड बस हो जाता है किसी भी इंसान को खुद को शूट करने के लिए खुद की ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए। ये अगर 6 सेकंड आप संभाल सके ज़िंदगी के तो आपकी ज़िंदगी संभल गई वो बड़ा हो या छोटा इंसान। इसके लिए पेरेंट्स को क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग बच्चों पर प्रेशर डालते हैं खुद जो लोग नहीं कर पाते हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है वो चीज़ करें तो ऐसे पेरेंट्स को क्या अपील करना चाहेंगे? हम पेरेंट्स को अपील यही करना चाहें कि आपके बच्चे को आपके सिवा कोई अच्छा नहीं जान सकता। आपने उसको दुनिया में किसी ने जानने से पहले आपने जाना है वो आपके घर में रह चुका है और उसको क्या संस्कार दिए आपको पता है आपका बच्चा की क्वालिटी आपको पता है। ये किसी और से एक्सपेक्टेशन करने से अच्छा है कि वही फैमिली वही माँ बाप उसको जज करे और किसी से कंपैरिजन ना करे कभी भी बच्चे को उसका जो हुनर है उसमें डेवलप करे उसको पहले आप पहचाने अपने बच्चे में क्या हुनर है। इनसे शेख फाउंडेशन के फाउंडर है पहले आप फिल्म से शुरू करते हैं विक्रांत जी क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में अगर आपसे बात करें तो इसका फिल्म का आइडिया ये जहन में कहाँ से आया? एक्चुअली ये है कि रोजमर्रा की लाइफ में आए दिन न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ आती है कि 8 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर दी 12 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर दी एंड जिन बच्चों को ज़िंदगी के बारे में पता नहीं उनके दिमाग के अंदर सुसाइड की भावना कहाँ से आती है करके फिर सर्च वर्क करना शुरू कर दिया। फिर ऐसे ऑल ओवर मुंबई में मैंने अराउंड 300 से भी ज़्यादा पेरेंट्स से मिला जिनके बच्चों ने ऑलरेडी आत्महत्या कर ली है। फिर इंटरेस्ट बढ़ता गया और काफ़ी 2-2.5 साल की रिसर्च के बाद में ये पता चला कि ये जो आंकड़ा है वो हर साल बढ़ते जा रहा है। तो विक्रांत जी इस विषय पे तो बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए हाँ क्या बाकी रही विषय में जो देना चाहते हैं? हाँ राइट ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अभी तक की मेरे नॉलेज में जो चीज़ें है कि जो आत्महत्या पे फिल्में बनी है उसके अंदर हमेशा से ही सिर्फ एक ही रीज़न बताया गया कि प्रेशर और प्रेशर के कारण ही बच्चे आत्महत्या करते हैं।
लेकिन जब मैं ऐसे माँ बाप को मिला जिनके बच्चे ने आत्महत्या कर ली, ऐसे केसेस देखे मैंने पुलिस स्टेशन में जाके, बहुत सारे साइकेटिस्ट डॉक्टर से मिला, तो ये पता चला कि एक ही रीज़न नहीं, बच्चों की आत्महत्या करने के 9 रीजन्स हैं, और वो सारे 9 के 9 रीजन्स हम लोग ने इसके अंदर पिक्चराइज किया है, जो 9 रीजन्स आज तक किसी भी फिल्म मेकर ने पिक्चराइज नहीं किए एज पर माई नॉलेज। और वो बच्चे आत्महत्या करने के पहले ऐसे क्या सिम्टम्स आते हैं, यानी क्या ऐसी हरकत करते हैं जिससे कि माँ बाप को पता चल सकता है कि उनके बच्चे जो है वो डिप्रेशन का कहीं ना कहीं शिकार बन रहे हैं और वो आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं, और सॉल्यूशंस, और हम लोग ने इसके अंदर 14 सॉल्यूशंस दिए हैं कि डॉक्टर्स लोगों से बात की, साइकेट्रिस्ट लोगों को इनको इन्वॉल्व किया, और टीचर्स को इन्वॉल्व किया, और इन्वॉल्व करके हम लोग ने 14 सॉल्यूशंस बताए जो इस आत्महत्या को रोकने के पीछे बहुत सारा हेल्प करेगी। सर, 14 सॉल्यूशन, 14 तारीख, इसका क्या मकसद है? आप 14 को रिलीज कर रहे हैं, 14 तारीख, हाँ, इसकी रिलीजिंग डेट हम लोग ने 14 अप्रैल इसलिए चुनी है कि 14 का राज क्या है? हाँ, 14 का राज, हाँ हाँ, 14 का राज ही बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि क्या है कि 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद में आज़ादी तो मिल गई, ब्रिटिश लोगों के हिसाब से ही हमारा काफ़ी दिनों तक देश चलता रहा, लेकिन इस देश को चलाने के लिए और दलितों और मुसलमानों का मसीहा अगर कोई था तो वो था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज फॉर माई नॉलेज। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक नया संविधान दिया, एक जीने का सिस्टम दिया जिससे कि इस समाज में और इस देश को बहुत अच्छी तरीके से चलाया जा सके। ये और बात है कि इसको कितना अमल में लाते हैं, क्योंकि बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको चलाने वाले लोग अगर ख़राब है तो संविधान का कुछ फ़ायदा नहीं है, और शायद अभी हम वही चीज़ें फेस कर रहे हैं। प्रमोशन के लिए आपने क्या यानी कि अपनाया है, अभी किस तरह से रिलीज, क्या क्या नीतियाँ होंगी इसके मुंबई के अलावा कैसे करेंगे? अभी तो फिलहाल मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि शेख फाउंडेशन को मैं थैंकफुल कहना चाहूँगा कि शेख फाउंडेशन से इसकी शुरुआत हुई है कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है जो सोशल मुद्दों पे अवेयरस है, तो ऑल ओवर मुंबई में जितने भी एनजीओस है उनमें से ये पहली एनजीओ है शेख फाउंडेशन जिन्होंने इस फिल्म को सपोर्ट किया और इसको रिलीज़ करने का जिम्मा भी उठाया है, और एक पर्टिकुलर पार्ट के टिकट्स भी परचेस कर रहे हैं कि एक एरिया इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। तो बस हमारा टारगेट्स एनजीओस ही हो गए। यह है कि मेरी जो कोशिश थी वो तो थी कि सर्च वर्क करना और इस फिल्म को बनाना, इस पिक्चर को बना तो लिया, अब मेरे साथ में जुड़े हुए जो लोग हैं जैसे कि शेख फाउंडेशन है और भी बहुत सारे एनजीओज हैं, उस एनजीओज को मिलके हम ये कोशिश करने का जरूर प्रयास करेंगे कि हम पीएम तक भी इस मुद्दे को लेकर पहुँचाएं, ताकि टैक्स फ्री होने की वजह से ये मुद्दा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाए और इसको जान पाए। जी मैडम, इस फिल्म के बारे में मैडम क्या कहना चाहेंगे? फिल्म देखा आपने? हाँ, मैं इनफैक्ट मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी लोग इस सब्जेक्ट पे फिल्म तो बना लेते हैं अपने लिए, बट व्हाट यू हैव रियली डन इज आपने एक हाँ, अरे बट इनको बोल रही ना मैं, इनको ऐसा बेसिकली आपने जो वो रीजंस दिए ना, वो रीजंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी वजह से मुझे लगता है ये फिल्म थोड़ी सी स्लाइटली हटके फ्रॉम द फिल्म जो लोगों ने पहले बनाई है। सो एटलीस्ट हमको अभी, जैसे मैं खुद काफ़ी यूथ चैनल्स और यूथ शोज कर चुकी हूँ, और ये मुद्दा हमेशा हम उठाना चाहते हैं क्योंकि लोग है हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि प्योर मतलब प्रेशर इतना है कि सुसाइड का कॉज समझ में नहीं आ रहा है, बट ये जो आंकड़ा है कभी नीचे आ ही नहीं रहा है। सो रीजंस क्या हैं हम खुद ढूंढते हैं, एंड इट्स ग्रेट दैट ही इज़ एक्चुअली रिसर्च्ड इट, एंड रिसर्च करने के बाद अगर उन्होंने ये हमें एक छोटी छोटी इंसिडेंट्स बताई हैं जैसे कि डिप्रेशन में है, इस तरीके से बच्चा बिहेव करता है, तो वो हमारे लिए एक सीख है फॉर अस टू नो कि अगर हमारे इर्द गिर्द वो हो रहा है तो वी नीड टू बी अवेयर। It's not just he's just making a film for entertainment and for whatever business. He's doing it for us to be aware कि हमारे इर्द गिर्द ही ये सब होता है, and let's not choose to ignore it. जी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। इसके देखिए ऐसे शेख फाउंडेशन तो क्यों इस फिल्म को प्रमोट कर रहा है, क्या ऐसी खास बात है इस फिल्म में? देखिए शेख फाउंडेशन जो है ये एज इट इज एक नॉन प्रॉफिट एनजीओ है, और
उनका बेस ही ये है कि हम बच्चों से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे उनकी एजुकेशन हो या उनकी जो भी मसलियात हो उसी के ऊपर हम काम करते हैं, और हम रूरल एरियाज पे ज़्यादा काम करते हैं। तो मेन हम जब ये प्रोजेक्ट सुना तो हमें ये लगा कि ये बच्चों से रिलेटेड है, और दूसरी बात जो ये स्ट्रेस और ये जो डिप्रेशन में आके जो लोग और जो बच्चे ज़्यादातर खुदकुशी करते हैं ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज बच्चे हमारे आने वाले जनरेशन, और ये आने वाले जनरेशन ही हमारे देश को आगे बढ़ाने वाले। सेक फाउंडेशन की बात करें तो इसके अलावा और क्या क्या सेक फाउंडेशन क्या क्या काम कर रही है समाज के हित के लिए? जी देखिए, सेक फाउंडेशन जो है ये बच्चों को अडॉप्ट करती है इन द सेंस ऑफ एजुकेशन, जो उनका स्कूल की फीस, स्कूल की पढ़ाई और यूनिफॉर्म्स वो सबका खर्चा उठाती है। अनदर थिंग्स, अगर किसी को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो वो उनको कैश नहीं देती बिकॉज वो अनयूटिलाइज हो जाता है, तो उनको मेडिसिन के ज़रिए हेल्प किया जाता है। और फिर अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम्स लिए जाते हैं स्कूल्स में, ज़्यादातर गर्ल्स और वुमेंस के लिए। तो बहुत सारे एनजीओ है इस प्रकार के काम कर रहे हैं, तो सेक फाउंडेशन क्या अलग कर रहा है? सेक फाउंडेशन इस बात के लिए अलग है कि ये एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं है, एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए काम नहीं करता है, ये ऑल ओवर रिलीजन, हर कास्ट। ये गंगा जमुनी तहजीब वाली फाउंडेशन है। जी जी जी, मैडम क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे, हाँ जी, फिल्म के अंदर जो 14 सॉल्यूशंस दिए हैं वो सॉल्यूशंस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, सहमत हैं उस? हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि ये 14 सॉल्यूशन ही हैं जो इस फिल्म को अलग, उसकी USP कह लीजिए आप। तो मैं ये कहूँगी कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि उन्होंने एक सोल्यूशन दिया है, ऐसा राइट, ऐसे पहले भी मैंने आपको कहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यू नो एक फिल्म बना ली और लोग देख लिए और आगे बढ़े, बट ही इज़ गिवन अ लॉट ऑफ सोल्यूशन। तो उसके लिए ये मैं बोलूँगी कि थैंक यू वेरी मच कि आपने सोल्यूशन दिया है, क्योंकि सोल्यूशन से हम आगे बढ़ के ये देखेंगे कि एटलीस्ट वी विल बी अवेयर कि हमारे इर्द गिर्द कहीं ऐसा कुछ हो रहा है तो हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे। प्रिवेंशन इज वॉट will happen with that solution. जिम्मेदार किसको मानती है, सोशल समाज या सिस्टम? दोनों भी नहीं है। प्रेशर इंटरनल होता है, समाज सोसाइटी प्रेशर बढ़ावा देता है, पर हर इंसान हर बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी क्षमता कितनी है वो प्रेशर लेने की, और वो क्षमता वो फैमिली से भी आ सकती है, नेचुरली भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। सो ऐसे कोई जिम्मेदार नहीं होता है यार, मतलब हर किसी एरा का अपना एक प्रेशर होता है, बट आजकल के बच्चों में ज़्यादा प्रेशर इसलिए है क्योंकि लोग न्यूक्लियर फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जब न्यूक्लियर फैमिली में कैसा माहौल है? देखिए मेरे बच्चे हैं नहीं है मेरे बच्चे मैडम विक्रांत सर के बारे में क्या कहेंगे, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है? मैं वही बोल रही हूँ कि उनके बारे में तो मैं खैर कुछ नहीं जानती हूँ, मैंने सिर्फ ये फिल्म देखी और मुझे फिल्म का मुद्दा काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है, तो फिर मैं यही बोलूँगी कि अच्छा है। ठीक है, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।